हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हमारा क्या टॉपिक है? गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रो इंट्राइटिस। क्या है? गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रो इंट्राइटिस। हम लोग क्या देखते हैं पहले? गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस होता क्या है? गैस्ट्राइटिस में होता क्या है, जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, जो इनर लेयर होता है म्यूकोसा, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। और क्या है गैस्ट्रो इंट्राइटिस, इसमें क्या होता है, गैस्ट्रो इसमें मतलब क्या होता है, स्टमक, और इंटर मतलब किसके लिए डिनोट किया गया है, इंटेस्टाइन के लिए, क्यों, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। वाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, और इंटर मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या कहेंगे, गैस्ट्रो इंट्राइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? गैस्ट्रो इंट्राइटिस कहेंगे। अब हम लोग इसको क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले क्या देखते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं, गैस्ट्रिक ओनली डायरेक्ट अफेक्ट द स्टमक, वाइल गैस्ट्रो इंट्राइटिस अफेक्ट बोथ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। क्या था, बोथ आर इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ जीआई म्यूकोजा व्हिच आर कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग इरिटेंट्स सच एज अल्कोहल, स्पाइसी फूड्स, नेसेड एस्टेरॉइड एंड समटाइम्स बाय स्ट्रेस एंड बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्राइटिस क्या करता है, जो खाली स्टमक इफेक्ट करता है, क्या करता है, स्टमक का इफेक्ट करता है, और जो गैस्ट्राइटिस है वो स्टमक और इंटेस्टाइन बोथ को क्या करता है, इन्फ्लामेशन काउज करता है। क्या करता है, बोथ को दोनों इन्फ्लामेशन काउज करता है। अब ये कौन कौन कारण से होता है वो देख लेते हैं। जो इंजेस्टिव इरिटेंट सच क्या होता है, अल्कोहल, और अल्कोहल हम लेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल से हो सकता है, स्पाइसी फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड लेने से भी हो सकता है, नेसेड, क्या नेसेड है ये, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। क्या होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और क्या है, स्टेरॉइड्स, जो ज़्यादा जो जैसे होता है, जो इन्फ्लामेशन जो कॉज करता है उसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मेडिसिन होता है उसको ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो हमारा म्यूकोसल लेयर है स्टमक का उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, समटाइम्स बाई स्ट्रेस, क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ही होता है, क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हो सकता है, और क्या है, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन, क्या है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। पहला लोग क्या देखें, गैस्ट्रो इंट्राइटिस का डेफिनेशन क्या है, गैस्ट्रो इंट्राइटिस का डेफिनेशन देखते हैं। एंड इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्राइटिक म्यूकोसा इज नोन एज गैस्ट्रो इंट्राइटिस होता है। क्या होता है, इसमें इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब जो स्टमक का जो म्यूकोसल लेयर होता है उसमें और इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंट्राइटिस कहते हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस देखते हैं। क्या गैस्ट्राइटिस देखते हैं, इसमें क्या होता है, इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। इसमें क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। जो गैस्ट्राइटिस होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉजेज, इसमें क्या होता है, कॉज देखते हैं इसका। क्या पहला देखते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, तो उसमें क्या होता है, कौन कौन बैक्टीरिया से हो सकता है वो देख लेते हैं। सल्मोनेला, क्या है, सल्मोनेला, और सेकेंड क्या है, सिजिला, और क्या, इकोलाई, ये जो बैक्टीरिया है इससे भी क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रो इंट्राइटिस कॉज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल इंटेक करेंगे तो उसे क्या होगा, उससे भी क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रो इंट्राइटिस हो सकता है। अब क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ नेसेड ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, इसमें क्या होगा, एक्सेसिव यूज करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में नेसेड ड्रग्स का यूज करेंगे, जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में क्या होता है, एस्पिरिन आता है, उन लोग का ज़्यादा हम लोग एक्सेसिव अमाउंट में यूज करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, उससे भी कॉज हो सकता है। ठीक है, अब क्या, एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्पाइसी फूड, अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में स्पाइसी फूड लेंगे, जैसे मसालेदार खाना होता है उसको ज़्यादा मात्रा में हम लोग लेंगे तो उससे भी हो सकता है। फिर क्या है, स्ट्रेस, अगर हम लोग एक्सेसिव स्ट्रेस लेंगे किसी कोई चीज़ की कोई कारण के बाद हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उससे भी क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या होता है, पहला क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग, क्या होगा, नोजिया और वोमिटिंग, इसमें क्या होगा, नोजिया हो सकता है और वोमिटिंग हो सकता है।
सेकंड का एनोरोक्जिया, इसमें क्या होगा हम लोग भूख की कमी हो सकती है, क्या होगा इसमें भूख की कमी हो सकती है। थर्ड क्या है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इसमें क्या होता है जो हमारा एब्डोमिनल उसमें क्या हो डिस्कम्फर्ट हो, जैसे भारीपन लगेगा या कुछ अलग तरह के महसूस होगा, क्या होगा। और डिहाइड्रेशन क्या होगा इसमें, डिहाइड्रेशन क्या होगा इसमें वाटर की कमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा बॉडी वाटर की कमी हो जाएगा। ओके क्या हिकपिंग, हिकपिंग और बेल्चिंग, इसमें क्या होगा हिकपिंग मतलब हिचकी आएगा और उसके हो सकता है इसमें बेल्चिंग में इसका ढकार आएगा, क्या होगा हिचकी हो सकता है और क्या हो सकता है इसमें ढकार आ सकता है, क्या होता है स्टूल विथ ब्लड, क्या होगा इसमें स्टूल विथ जो हमारा स्टूल पास आउट होगा उसमें क्या होगा ब्लड आ सकता है, क्या हो सकता है उसमें ब्लड आ सकता है। और क्या है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इसमें क्या होता है एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो हमारा एब्डोमिन है उसमें क्या होगा क्रैम्प महसूस मतलब तनाव उतना महसूस होगा, क्या स्ट्रेस महसूस होगा। ठीक है अगर हम देखें वेट लॉस, इसमें क्या होगा वेट लॉस होगा, क्या होगा जो हमारा वजन है वो क्या हो सकता है घट सकता है, क्या हो सकता है घट सकता है, इसमें देखा जाता है हार्ट बर्न ऑपरेटिंग, जो हम लोग ईटिंग करेंगे जो खाना खाने का क्या होगा हार्ट बर्न करेंगे, इसमें जो हमारा जो एसीएल होगा वह जो हमारा स्टमक में इरिटेशन के कारण क्या होगा वो इसोफेगस तक जो हमारा एसीएल है वो जाएगा तो क्या होगा उससे हमारा जो हार्ट के पास है चेस्ट कैविटी है वहाँ पर क्या होगा वर्न महसूस होगा, क्या होगा जलन महसूस होगा, क्या होगा जलन महसूस होगा। हम लोग कहते हैं इपिगैस्टिक टेंडरनेस, क्या होगा इपिगैस्टिक टेंडरनेस, क्या होता है इपिगैस्टिक टेंडरनेस में जैसे पेन महसूस होगा, जो हमारा स्टमक है इंटेस्टाइन में क्या होगा पेन महसूस होगा, क्या होगा पेन महसूस होगा। हिमेटमेसिस होता है, इसमें क्या होता है जो हमारा जो हम लोग जब वोमिटिंग करेंगे उसमें क्या होगा हो सकता है ब्लड हिमेटमेटिस में क्या होता है उसमें ब्लड आ जाएगा, क्या होगा उसमें ब्लड आ सकता है जो हम लोग वोमिटिंग करेंगे उसके साथ क्या होगा ब्लड आएगा। और उसमें क्या है सोर टेस्ट, इसमें क्या होगा जो हमारा सोर जो टेस्ट होगा वो क्या होगा सोर होगा। ठीक है इसमें क्या परफ्यूज डायरिया और वाटरी स्टूल, इसमें क्या होगा जो हमारा डायरिया हो सकता है और क्या हो सकता है वाटरी स्टूल हो सकता है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो स्टूल हम लोग करेंगे उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो रिलीज हो जाएगा पास आउट होगा हमारा स्टूल से और क्या वो डायरिया हो सकता है परफ्यूम परफ्यूम ज्यादा मात्रा में होगा, क्या होगा ज्यादा मात्रा में हो सकता है। अब हम लोग क्या देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, क्या है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखते हैं। ठीक है इसमें पहला क्या देखते हैं बाई साइन एंड सिम्टम, क्या जो पहला है बाई साइन एंड सिम्टम, बाई साइन और सिम्टम के अनुसार देखेंगे। ठीक है अब सेकंड क्या है इंडोस्कोपी, क्या इसमें इंडोस्कोपी, अब क्या होता है इंडोस्कोपी होता क्या है, क्या देखते हैं इंडोस्कोपी होता क्या है, इसमें जो होता है एक डिवाइस होता है, क्या होता है डिवाइस होता है वो इसोफेगस के थ्रू माउथ के थ्रू इसोफेगस से होते हुए स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, उसमें कैमरा होता है और क्या होता है एक लाइट लगा होता है। ठीक है और बाहर उसे क्या होता है डॉक्टर जो है उसे देखता है। ठीक है अब क्या थर्ड है बायोप्सी विथ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन एज आर परफॉर्म्ड, क्या है बायोप्सी विथ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन आर परफॉर्म्ड, इसमें क्या होता है हम लोग क्या देखते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्या देखते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता क्या है, इसमें क्या होता है जो एक नीडिल होता है एक स्पेशल टाइप का नीडिल होता है उसके क्या होता है वो इंसर्ट किया जाता है, क्या कहता है इंसर्ट किया जाता है स्किन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है बिना सर्जरी या किसी और मदद से इंसर्ट किया जाता है स्किन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ठीक है इंसर्ट करके वहाँ पर क्या होता है जो वहाँ पर टिश्यू होता है जो स्टमक और इंटेस्टाइन में टिश्यू होता है उसको क्या कहता है सक किया जाता है, क्या कहता है उसको सक किया जाता है, सक कर उसको क्या कहता है लेबोरेटरी में भेजा जाता है उसकी जाँच के लिए, क्या कहता है लैब में भेजा जाता है उसको जाँच करने के लिए। ठीक है अब हम लोग देखते हैं क्या फोर्थ में क्या देखते हैं सीरोलॉजिक टेस्टिंग टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एच पायलोरी, क्या होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, इसमें क्या होता है हम लोग देखेंगे स्टमक और इंटेस्टाइन में एच पायलोरी क्या होता है, एच पायलोरी एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है एच पायलोरी एक बैक्टीरिया होता है, हम लोग यही देखेंगे इसका प्रेजेंस, इसमें जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसमें क्या देखेंगे हम लोग एच पायलोरी का प्रेजेंस देखेंगे, इसका प्रेजेंस है उसके जो स्टमक इंटेस्टाइन में है उसमें एच पायलोरी है या नहीं है वो क्या होगा जो सीरोलॉजिकल टेस्ट में पता करेंगे। ठीक है अब हम लोग क्या देखते हैं मैनेजमेंट, क्या हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं, इसमें क्या पहला मेडिकल मैनेजमेंट इसका देखते हैं, पहले हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं एंटीबायोटिक, पहले क्या देंगे एंटीबायोटिक्स देंगे, क्या देंगे पहले एंटीबायोटिक्स में उसमें क्या देंगे एमोक्सिसिलिन हो सकता है टेट्रासाइक्लिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्या है क्लेरिथ्रोमाइसिन। अब हम लोग देखते हैं सेकंड में क्या एंटासिड, क्या है एंटासिड, एंटासिड क्या देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
एंटासिड में क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड क्यों देंगे, इसमें जो एसिड होता है, जो एसिड का जो मात्रा होता है और एक्सेसिव होता है उसको क्या करता है रिड्यूज करता है, क्या करता है उसको बैलेंस करके रिड्यूज करता है। आ गया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्या देंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या है लैंसोप्राजोल, क्या देंगे लैंसोप्राजोल और ओमेप्राजोल, क्या देंगे लैंसोप्राजोल और ओमेप्राजोल देंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में, ठीक है। अब हम लोग क्या देंगे H2 ब्लॉकर, क्या है H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर में क्या देंगे हम लोग रेनिटिडिन देंगे, क्या देंगे रेनिटिडिन। H2 ब्लॉकर क्यों देंगे, जो हमारे एसिड है उसको क्या करेगा रिड्यूज करेगा, क्या करेगा जो एसिड प्रोडक्शन है उसको क्या करेगा ये रिड्यूज करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं एंटीएमेटिक, क्या देंगे एंटीएमेटिक क्यों देंगे, फोर स्टॉप वोमिटिंग एंड नोजिया, एंटीएमेटिक क्यों देंगे फोर स्टॉप नोजिया एंड वोमिटिंग, इसमें क्या है डोमपेरिडोन देंगे, क्या देंगे डोमपेरिडोन देंगे, ठीक है। अब इसको देंगे एंटी माइक्रोबियल मोस्टली क्या देंगे डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें क्या देंगे एंटी माइक्रोबियल देंगे, उसमें क्या देंगे मेट्रोनाइडाजोल देंगे, क्या देंगे मेट्रोनाइडाजोल देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देखते हैं एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स एज प्रिस्क्राइब्ड, क्या एडमिनिस्टर क्या करेंगे आईवी फ्लूइड को प्रिस्क्राइब क्या करेंगे एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। उसे करेंगे प्रोवाइड क्लियर फ्लूइड्स लिक्विड इन स्मॉल अमाउंट्स व्हेन ओरल इनटेक इज रिड्यूम एंड प्रोग्रेस डाइट एज टॉलरेटेड, इसमें क्या होता है इसमें क्या जब हम लोग जब पेशेंट को क्या करेंगे हम लोग उसको जब वो खाने लगेगा तो सबसे पहले उसको क्या कहेंगे कि आप लिक्विड डाइट जो ज़्यादा यूज कीजिए, क्या कीजिए लिक्विड डाइट ज़्यादा यूज करना है और उसको धीरे धीरे मात्रा में बढ़ाते जाना है टाइम टू टाइम, ठीक है। आपसे क्या एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब ये वोमिटिंग एंड डायरिया एंटीमेटिक देंगे और एंटी डायरियल देंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग क्या प्रिस्क्राइब करेंगे वोमिटिंग और डायरिया है तो उसको क्या हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीमेटिक और क्या करेंगे एंटी डायरियल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। क्या नेक्स्ट क्या देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नोट टू टेक गैस्ट्रिक इरिटेंट्स फूड्स, जैसे एग्जांपल में कैफीन प्रोडक्ट्स अल्कोहल हॉट एंड स्पाइसी फूड, क्या हम लोग इंट्रैक्ट करेंगे पेशेंट को क्या बताएंगे जो हम लोग एडवाइस क्या करेंगे पेशेंट को एडवाइस क्या करना है जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन है उसमें जो इरिटेशन कॉज करता है जलन कॉज करता है उसको क्या करना है वो प्रोडक्ट हम लोग नहीं लेंगे, जैसे क्या है उसमें कैफीन प्रोडक्ट जैसे कॉफ़ी हो गया चॉकलेट टाइप हो गया वो नहीं लेना है, हॉट एंड स्पाइसी फूड भी और अल्कोहल भी नहीं यूज करना, क्या अल्कोहल और हॉट एंड स्पाइसी फूड, जैसे स्पाइसी फूड में क्या आता है मसालेदार खाना है उसको नहीं लेने के लिए पेशेंट को बताना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं नर्स शुड एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर डेट इज एसिड, क्या है एंटी एसिड और एनाल्जेसिक, मॉर्फिन और मेपराइडिन और एंटीकोलिन, क्या है एंटीकोलिनजेसिक देंगे, क्या है इसमें जो नर्स है वो क्या करेगी डॉक्टर की एडवाइस पर क्या करेगी जो डॉक्टर एडवाइस करेगा उस पर क्या देगी वो एंटासिड देगी पेशेंट को और क्या देगी एनाल्जेसिक क्या है मॉर्फिन और मेपराडिन देंगे, क्या देंगे एनाल्जेसिक और मेपराडिन देंगे, ठीक है। क्या हुआ नर्सिंग मैनेजमेंट एंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं इसमें अब हम लोग क्या देखते हैं जो हम लोग देख रहे थे क्या देख रहे थे हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देख रहे थे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये क्या होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आया था, ठीक है। वो क्या करता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होता है उसमें जो उसका जो ड्रग्स होता है वो क्या करता है जो हमारा जो एसिड जो स्टमक में होता है HCl उसके एसोफेगस तक जो रिफ्लैक्स होता है उसको होने से क्या करता है ये बचाता है, वो रिफ्लैक्स जो होता है एसिड जो हमारा स्टमक से एसोफेगस तक होता है उसको होने से ये क्या करता है बचाता है, ठीक है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।